जय हिंद दोस्तों, मेरा जो आज का ये वीडियो मैसेज है वो है मेरे एक अपने बड़े भाई के लिए, हिंदुस्तानी भाई, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है। मेरा जो भाई है, बड़ा भाई है, चाहे जैसा मर्जी है, अपना भाई है और मैं हमेशा से इसको सपोर्ट करता आया हूँ, शुरू से और आगे भी करता रहूँगा। बट जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ, शायद ये बात आपको बुरी लगे, बट मेरे को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि आपको बुरी लगे अच्छी लगे, आप मेरे को कुछ भी बोल सकते हो। बट मेरे भाई, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे जा रहे हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, मैंने एक पाकिस्तानी सुअर की वीडियो देखी, इंसान नहीं बोल सकता मैं उसको, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है जो इंडिया के ऊपर घूमते हैं वो इंसान हो ही नहीं सकते। शुरुआत हमेशा वहाँ से होती है। एक बंदा है एंड के ऑफिशियल, उसकी वीडियो पे आपने कमेंट किया कि मेरे भाई मैं सबको नफरत नहीं करता, ये नहीं करता, मैं आप सबको सपोर्ट करता हूँ, पर कुछ जो यूट्यूबर है उनकी वो उल्टा सीधा बोलते, तो मैं उनको रिप्लाई देता हूँ, गाली देता हूँ। हिंदुस्तानी भाऊ, ये कमेंट करने से कम आपको उसकी हिस्ट्री देख लेनी चाहिए थी। अब उस बंदे, वो बंदा बोलता है कि मेरी सारी वीडियो उठा के देख लो कि मैंने किसी रिलीजन को, मैंने किसी देश को गलत नहीं बोला है। भाऊ, मेरे पास उसकी ऐसी वीडियो है जो उसने हमारे श्री राम के बारे में इतनी भद्दी गालियाँ दी हैं, जो गालियाँ आप उन पाकिस्तानी को भी नहीं देते हो। आपको पता है आप कैसी गालियाँ देते हो, उससे भी भद्दी गालियाँ उसने हमारे प्रभु श्री राम के लिए दी है, हमारे भोलेनाथ के लिए दी है। भाऊ आप देखिए, मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूँ, आपसे तजुर्बे में भी छोटा हूँ, हर चीज़ में छोटा हूँ, बट सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई पागल कुत्ता होगा ना, पागल कुत्ता, उसका विश्वास कर लेना कि वो आपको नहीं काटेगा, बट इस चीज़ का विश्वास कभी मत करना। ये देखिए, और जो बोलते हैं ना कि हम बस में, ये देखिए गाड़ियाँ जा रही है पाकिस्तान की, अपना जम्मू कश्मीर की वादियों में हम अभी आए हैं घूमने के लिए, बट मैंने वीडियो देखी तो मेरे को उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा। तो क्या बोल रहा था मैं, भाऊ पागल कुत्ते का विश्वास कर लेना कि वो नहीं काटेगा, बट इस बात का विश्वास मत करना मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, कि ये जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है ये शांति का हाथ या भाईचारे का हाथ आगे बढ़ा सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बंदे ने अपने यूट्यूब चैनल से या तो वीडियो प्राइवेट की है या तो डिलीट की है। बट मेरे को छोड़ दो आप, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है, अगर किसी की राय लोगे ना, इस बंदे ने हमारे भोलेनाथ और श्री राम के लिए इतनी गालियाँ दी है, इतनी गालियाँ दी है, चलो मेरे को अभी छोड़ दो। अगर कल को ये बंदा, इस बंदे से आप पूछो, वरना अपनी कुरान शरीफ की कसम खा ले और बोल दे कि उसने, उस सूअर ने हमारे श्री राम के बारे में गालियां नहीं दी है। जो आज हमें आके बोल रहा है, जो आपको बोल रहा है कि मैंने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, मैंने किसी देश को टारगेट नहीं किया, सबसे पहले धर्म होता है, तो भाऊ उस चीज़ का आप इससे पूछना, इसको बोलना सिर्फ तू इतना कुरान शरीफ की कसम खा ले, चाहे झूठी खाए चाहे सच्ची, कम से कम हमें पता चलेगा कि कितने सच्चे मुसलमान हैं। इसको बोलना कि तू कुरान शरीफ की कसम खा और बोल दे कि इसने हमारे प्रभु श्री राम के लिए, हमारे भोलेनाथ के लिए कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं। और जो जितने भी यूट्यूबर अभी ये भाई 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 का वो कर रहे हैं ना, भाऊ शर्त लगा लो, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। जैसे कि इनकी आर्मी जब इनके पिछवाड़े पे गोली बजती है ना, जब लात मारती है हमारी आर्मी, तो ये सफेद झंडे लेके आते हैं, आपको पता है, खुद हमला करते हैं, बच्चों तक को नहीं बख्शते हैं, और जब हमारी आर्मी इनके पिछवाड़े में गोली मारती है तो व्हाइट कपड़ा लेके आते हैं कि हमें कम से कम अपनी लाश से उठाने दो। सेम ये चीज़ अभी यूट्यूब पे कर रहे हैं, या कोई ना कोई फंसाने का चक्कर है। ये साजिद अहमद को अच्छी बोलता है, आप बता दो कितनी घर अच्छी है, आप बताओ कि साजिद अहमद कितनी अच्छी औरत है। और मेरे भाई, ये उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंडिया के सारे यूट्यूबर के खिलाफ भौंक रहा है, अभी इंडिया का होके हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म धर्म की बात कर रहा है। उस बंदे इम्तियाज शेख, उसको ये सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? अब ये मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, या जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी पता चल गया होगा। सो भाव, मेरे को पता है कि आप इनकी बातों में नहीं आने वाले हो, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इनको कोई सपोर्ट करे या इन जैसे बंदों के कमेंट्स, इनकी इतनी औकात ही नहीं है, मेरे ऊपर इतना भौंकते हैं, मैं इनको रिप्लाई नहीं करता हूँ, आप क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हो? और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बड़े भाइयों कुछ बोल नहीं सकते। और ये जो बंदा मेरे को बोलता है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, ये की है,
मैंने आज तक किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप मेरी पुरानी क्या, मैं लिंक देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मेरे साथ मेरे मुसलमान भाई आके वीडियो बनाते हैं। जब एक सुअर अपना वीर हैंडसम वो चैलेंज कर रहा था हिंदुस्तानियों को, तो एक मेरा मुसलमान भाई यहाँ का हिमाचल का मेरे पास आया। उसने ओपन वीडियो में बोला कि मैं इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो उसको नेपाल बुला रहा था, मुसलमान भाई, मेरा एक और मुसलमान भाई, तीन चार मेरे मुसलमान भाइयों ने मेरे साथ मिलके वीडियो बनाई है और ये बोलते हैं कि मैंने इनकी नबी की शान में गुस्ताखी की है। देखिए, एक वीडियो सुअर ने डाली थी कि नबी ने बोला है कि हिंदुस्तान में जिहाद होगा और काफिरों को काटा जाएगा, तो काफिर आप हो, काफिर मैं हूँ, काफिर जो भी है। और मैं अभी भी ये बात, देखिए मैं अपनी बात पे कायम हूँ, बट मैं इतना भी बोल देना चाहता हूँ कि मेरे को 200% नहीं लगता है कि किसी नबी ने ये बोला है कि हिंदुस्तान में अपना जिहाद होगा। और अगर बोला है तो फिर वो नबी तो मेरे, आप समझ सकते हो। देखिए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अब हमारे कोई धर्म का कोई जो देवता या कोई है, वो क्या बोला कि पाकिस्तान में मारकाट करो। और मैं इतना 100% श्योर हूँ कि किसी भी नबी ने ऐसी हरकत नहीं की है। ये सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा और नफरत और पता नहीं क्या इनकी जहन में चलता है, जिस वजह से ये ऐसी बातें करते हैं। मेरे हिंदुस्तान के लिए चाहे कोई नबी बोलेगा, चाहे कोई हमारा देवता बोलेगा, जो भी बोलेगा, हम कभी नहीं सुनेंगे। और मेरे को पता है कि हिंदू धर्म में कभी भी अशांति की बात नहीं की गई है, और मेरे को ये भी लगता है कि ना ही मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में शायद की गई होगी, क्योंकि जितने मेरे फ्रेंड है वो खुद मेरे साथ वीडियो बना के आने के लिए राजी होते हैं। सो भाऊ, देख लो आप, मैं फिर से वही बोलना चाहता हूँ, मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मेरे से ज़्यादा आपने दुनिया देखी है, बट इन सूरों के चक्कर में मत पड़ना। बाकी कोई बुरा लगा हो तो बोल देना, बट मेरी ये सोच है, मेरी ये राय है। इन लोगों ने हिंदू धर्म को टारगेट किया, गालियां दी हिंदुस्तान को, गालियां दी, आज अपनी वीडियो डिलीट करके बोलते हैं कि मैंने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया। आप भाव देखो, आपकी बात मानेंगे, इसने आपके लिए बड़ा कुछ बोला है, तो आप सिर्फ इतना, मैं ये हिंदुस्तानी भाव से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई से, कि अगर आप इसको कभी भी, अगर इसकी इतनी औकात नहीं है, बट अगर इसके बारे में कभी मेंशन करोगे, तो इसको सिर्फ इतना बोलना कि अपनी कुरान शरीफ की कसम खा कि इसने हमारे धर्म और हमारे प्रभु श्री राम और हमारे भोलेनाथ के बारे में गलत नहीं बोला है, गालियां नहीं निकाली। अगर कसम खा जाएगा तो फिर मैं झूठा तो बहुत सारे ऐसे, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, इसने क्या सोचा, हमने इसकी वीडियो डाउनलोड की हुई है, और अगर कसम खा लेगा तो पता चल जाएगा कितने सच्चे मुसलमान हैं। बाकी मेरे को अजीब लगा थोड़ा कि हमारा भाऊ जो एक हजारों पे भारी था, हजारों उन साले आतंकवादियों पे भारी था, पाकिस्तानी आतंकवादियों पे, वो आज, बट क्या पता इसके पीछे क्या बात है, बट इतना जरूर याद रखना भाऊ, जय हिंद।